नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भोबिया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। राम जन्मभूमि से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है और करतारपुर कॉरिडोर भी शुरू हो गया है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर है कि आखिर देश के सबसे पुराने विवाद पर फैसला तो आया, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस फैसले को लेकर चिंतित है, दुखी है। अब उसने इस फैसले पर रिएक्शन देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, आज हम आपको बताएंगे। वैसे राम जन्मभूमि से जुड़ा फैसला आने के बाद पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस बताते हैं कि कैसे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तानी पत्रकार गरीदा फरूकी ने ट्वीट करके लिखा कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान खुद को भारत से ज़्यादा सेकुलर महसूस करे और आपको फख्र हो। पाकिस्तान सभी धर्मों का देश, भारत एक धर्म का देश। उनका ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि वे भारत को केवल एक धर्म का देश बता रही हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे दोगुने मुसलमान भारत में रहते हैं। वैसे अयोध्या पर आए इस फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के राजनेताओं, फिल्मी लोग समेत बहुत से लोग इस फैसले को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शर्मनाक, घृणित, अवैध और अनैतिक बताया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि विश्व ने एक बार फिर से कट्टरपंथी भारत का असली और बदसूरत चेहरा देखा। पहले 5 अगस्त 2019 को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर अवैध कार्रवाई करके और उसके बाद आज बाबरी मस्जिद पर फैसले के माध्यम से। दूसरी ओर पाकिस्तान ने आज दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए नानक साहब के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला है। यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्य फैजल जावेद खान ने कहा कि दो देश दो कहानियां, पाकिस्तान करतारपुर से अंतर जातीय सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और दूसरी ओर भारत की अतिवादी मानसिकता उजागर हुई है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। पाकिस्तान के सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन दनियाल गिलानी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनाने का फैसला तब आया जब करतारपुर कॉरिडोर खोला जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यक पहले से कट्टरपंथी विचारधारा से डरे हुए हैं और इस फैसले के बाद वो और भी असुरक्षित महसूस करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दबाए गए मुस्लिम समुदाय पर अधिक दबाव पड़ेगा और यहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय फैसले का विवरण पढ़ने के बाद इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी करेगा। कुरैशी यही नहीं रुके, कुरैशी ने सवाल करते हुए कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय के बाद आज शनिवार को फैसले की घोषणा की, भारतीय अदालत ने आज फैसले की घोषणा क्यों की। दरअसल कुरैशी की चिंता ये है कि आज करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और पाकिस्तान सोच रहा था कि वो इस कॉरिडोर को दुनिया के सामने पेश करेगा, इसका क्रेडिट लेगा, ये दिखाएगा कि हम तो भारत के साथ शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भारत ही नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान दुनिया को सोशल मीडिया पर ये सब दिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पासा पलट गया। दुनिया करतारपुर कॉरिडोर पर चल रहे पाकिस्तान के ढोंग को ना देखने के बजाय राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखने लगी। अब ट्विटर पर हैशटैग अयोध्या वर्डिक्ट, हैशटैग राम मंदिर, हैशटैग बाबरी मस्जिद, ये तीनों ट्रेंड कर रहे हैं। दुनिया में पहले नंबर पर अब हैशटैग अयोध्या वर्डिक्ट ट्रेंड कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान की करतारपुर को लेकर झूठी बातें कोई नहीं सुन रहा था तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और फिर उसने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि भारत में हिंदू मुसलमानों का सौहार्द बिगड़ सके। लेकिन पाकिस्तान के इन बयानों पर उसे अब लोग खरी खरी सुना रहे हैं। खैर दोस्तों, इस फैसले पर भारत खुश है, दुनिया खुश है, पाकिस्तान के खुश होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप बताइए, आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखते रहिए वीके न्यूज़।